एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीमर्स इंग्लिश जोन। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए। सो आई होप कैसे हैं आप सभी, सभी घर पे अच्छे होंगे। सो ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कर चुके हैं, बट वंस अगेन आई एम हेयर टू टेक विद अ न्यू टॉपिक, एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। तो समझते हैं व्हाट इज द टॉपिक। सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ गोइंग टू। आज हम सीखने वाले हैं गोइंग टू का यूज़। हमने इससे पहले भी लाइकली टू सीखा है, अबाउट टू सीखा है, बट इट्स अ न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग टू, गोइंग टू का यूज़ क्या होता है। सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी मर्ज टू वर्क टुगेदर, जब भी हम दो कामों को कनेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, वहाँ पर हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। तो सिंपली सेंटेंस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू एक्शन, यू के लिए यूज करेंगे तो यू आर गोइंग टू एक्शन, ही के लिए यूज करेंगे ही इज गोइंग टू एक्शन, पास्ट में यूज करेंगे तो आई वॉज गोइंग टू एक्शन, यू के लिए जाएगा यू वर गोइंग टू एक्शन, और शी के लिए जाएगा तो शी वॉज गोइंग टू एक्शन। सो दीज आर द सेंटेंसेज। अब थोड़ा सा इनको यूज करके देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। मैं मूवी वॉच करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रिंग द फ्रूट्स। यू के लिए यूज करेंगे तो यू का यूज कर सकते हैं। आप स्टडी करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टडी। तुम सोने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्लीप। तुम क्लास अटेंड करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अटेंड द क्लास। तुम खेलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्ले। ही के लिए यूज जाएगा, ही के लिए कर सकते हैं। ही डांस करने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू डांस। ही बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू सेलिब्रेट पार्टी। ही मूवी वॉच करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू वॉच मूवी। और ही इंग्लिश सीखने जा रहा है, ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। सेम तरीका हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, और जब हम पास्ट में यूज करेंगे तो सिंपली यूज होगा आई वॉज। चलिए बोल के देख लेते हैं। मैं दोस्त से मिलने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। मैं रूम क्लीन करने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू क्लीन द रूम। मैं बुक लेने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू परचेज द बुक। मैं बनाना खरीदने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग द बनाना। यू के लिए जाएगा, यू के लिए यूज कर सकते हैं। तुम इंग्लिश बोलने जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। तुम मूवी वॉच करने जा रहे थे, यू वर गोइंग टू वॉच मूवी। तुम कंप्यूटर सीखने जा रहे थे, यू वर गोइंग टू लर्न कंप्यूटर। और तुम पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे थे, यू वर गोइंग टू सेलिब्रेट पार्टी। शी के लिए कर सकते हैं, शी के लिए भी कर सकते हैं डेफिनेटली। शी वर्शिप करने जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू वर्शिप। शी अंकल से मिलने जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू मीट अंकल। शी खेलने जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू प्ले। और शी इंग्लिश बोलने जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। खेलने जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू प्ले। तो देखा आपने, हमने आई यू ही शी के साथ प्रेजेंट और पास्ट में यूज किया। सेम इसी का प्रोसेस हम लोगों के नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि उमंग कार खरीदने जा रहा है, उमंग इज गोइंग टू परचेज अ कार। उमंग पार्टी थ्रो करने जा रहा है, उमंग इज गोइंग टू थ्रो द पार्टी। पास्ट में जाएगा तो नेम लगा सकते हैं, नेहा कंप्यूटर खरीदने जा रही थी, नेहा वॉज गोइंग टू परचेज कंप्यूटर। और नेहा दिल्ली घूमने जा रही थी, नेहा वॉज गोइंग टू विजिट दिल्ली। तो इजीली हमने इन सेंटेंस को यूज किया, और डेफिनेटली जब आप इस तरीके के सेंटेंस को यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप इंग्लिश के अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। तो बस यूज कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।